ग्रीन चैनल ड्राई फ्रूट कैट बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ 1 कप फ्रेश ग्रीन चने, सम ड्राई फ्रूट, 1 टमाटो स्मॉल साइज, 1/2 चिली, सम रेड चिली, सम कैप्सिकम एंड सम करियंडर लीव्स। तो अब सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाल देते हैं और इसमें जो ड्राई फ्रूट दिए हुए हैं उनका मॉस्ट कर देते हैं। अब हम इन्हें दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी में हम ग्रीन चने डाल देंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मिक्स करेंगे और 5 से 3 मिनट लगा के कुक कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। अब इसी टाइम हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर चॉप किया हुआ वो ग्रीन चिली, रेड चिली और कैप्सिकम और सम कोरिएंडर लीव्स। और मसाले में हम ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा 1/2 स्पून, 3 चिप्स सॉल्ट ब्लैक वाला, चाट मसाला 3 और 3 चिप्स हम ब्लैक पेपर पाउडर, ड्राई फ्रूट भी जो हमने रोस्ट किए थे वो ऐड कर देते हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कितनी यम्मी और कलरफुल लग रही है, हेल्दी भी है, इस चाट से हमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये हमारे तैयार हो गए ग्रीन चना ड्राई फ्रूट चाट, इसको हम अब सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। हम ऑफ कर देते हैं और सर्विंग प्लेट में हम ले लेते हैं। सर्विंग प्लेट में हमने ले लिया है 3 चेक, हम सॉल्ट ऊपर से डालेंगे, ऐसे तो हमारे डाला हुआ ही है पर इससे टेस्ट थोड़ा सा यम्मी ज़्यादा आता है। कोरिएंडर लीव से गार्निशिंग कर देंगे हम। तो तैयार है हमारी ग्रीन चना ड्राई फ्रूट चाट। तो कैसी बनी रेसिपी, बना के मेरे को कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र।